जय सियाराम, हरिओम। आज का दिन भी निकल गया। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तरकाशी की बात कर रहा हूँ। महापंचायत होनी थी ना, हिंदुओं की, सनातनियों की महापंचायत होनी थी, लव जिहाद के खिलाफ होनी थी। अपनी बेटियों को बचाने के लिए लोग एकत्रित होने वाले थे। लैंड जिहाद के खिलाफ महापंचायत होनी थी। वो जो हजारों हजार जो मजारें उगाई हैं जंगलों तक में, पहाड़ों के अंदर लोगों की जमीनें चली गई हैं, व्यापार जिहाद के खिलाफ विरोध में हिंदू सनातनियों की महापंचायत होनी थी। जहाँ एक भी नहीं थे, बाजार में एक भी दुकानें नहीं थी, वहाँ 50-50 दुकानें उक्के आ गईं। 2000 तक तो मुसलमान उत्तराखंड में ही नहीं थे, 1% थे कहते हैं। 2011 में हो गए 13.5%, अब कहते हैं कि 18% हैं। तो ये जो हिंदू थे, जो सनातनी थे, जो महापंचायत करने वाले थे, नहीं कर पाए क्योंकि धामी सरकार ने उन्हें रोक दिया। 144 धारा लगा दी, 14 जून से लेकर के 19 जून तक लगा दी। तो महापंचायत वालों ने एक बार सोचा कि ऐसा करते हैं, कहीं और कर लेते हैं, तो फिर पूरे क्षेत्र में लगा दिए। एक्चुअली में क्या है कि हम पुरोला जा रहे थे समर्थन देने के लिए, किंतु पुरोला में 144 धारा लगी हुई है। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस सीमांकन तक धारा 144 लागू होती है, आप हमें वहीं पे रोक देना। नहीं, अगर ये महापंचायत हो जाती तो ये साबित होता कि यहाँ मेजोरिटेरियन सरकार है, हिंदू हिंदुत्व की सरकार है, मुस्लिम डरे हुए हैं। पूरी दुनिया में ये खबर जाती कि भैया मोदी के देश में मुसलमान खतरे में है, और ये मोदी जी की जो तृप्तिकरण काज की जो मुहिम है उसको ब्लो लगता है ना। अरब इतने देशों ने उनके बड़े बड़े सम्मान दिए हैं, कल को शायद कोई नोबेल पुरस्कार भी उनको मिल जाए, तो उस पर कोई आघात होगा। और हिंदू सनातनियों की बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक मुसलमान कोई एक नाबालिग लड़की को ले गया तो क्या सभ्यता खत्म हो गई हिंदुओं की? अगर वहाँ 10-20-50 दुकानें खुल गई जो पहले नहीं थे मुसलमानों की, तो क्या हिंदू सारे मर गए? अरे जंगल तो ही पेड़ उगते रहते हैं, 2-4-500 मजार बन गए तो क्या हो गया? ये सब नहीं चाहिए उत्तराखंड के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो लोग वहाँ हैं, उन्हें एक देव भूमि चाहिए, असुर भूमि नहीं चाहिए। इसीलिए वो कर रहे थे। तो अगर वो करते, अगर ये होता तो क्या होता? पहले तो ये बात है कि कुछ लोग फिर भी आ गए थे, तो पुलिस इतनी थी वहाँ के, वो चुपचाप वहीं बैठ करके थोड़ा सा इंकलाब जिंदाबाद कर लिया। अभी वो लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो आए अपना मीडिया उड़िया के सामने, अपनी कागज पत्र लेके आए और बोले कि हम ये करने वाले थे। सुन लेते हैं। उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन की दमनकारी नीतियों के चलते अनिश्चित समय के लिए स्थगित की जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है कि स्थानीय प्रशासन ने आज 10:15 पर महारैली को रोकने के लिए नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। फिर उसके बाद निर्णय लिया गया कि महापंचायत को नगर क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिसकी भनक लगते ही फिर प्रशासन ने दिन ठीक 4 साय संपूर्ण पुरोला तहसील यानी कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। आप हिंदू हो, सनातनी हो तो हो, रहो ना, कौन रुकता है? आवाज उठाओगे, इनकलाब करोगे, जिंदाबाद करोगे, सरकार के विरोध में काम करोगे, बोलोगे कि प्रशासन यहाँ की धामी सरकार है, ये सब नहीं चलेगा। साथ ही इस महापंचायत में बाहर से शामिल होने वाले लोगों को भी नजरबंद कर दिया गया है। यह महापंचायत फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है, लेकिन यथासमय इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो आप हिंदू हो, सनातनी हो, जिंदा हो, स्वाभिमान भी है, अपने बच्चों को सुरक्षित भी रखना चाहते हो,
अपने व्यापार के साथ जीना भी चाहते हो, अपने घर को चारों तरफ से दुश्मनों से बचा के रखना चाहते हो, अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते हो, और हिंदू हो, सनातनी हो, और उत्तराखंड में हो, अब यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो मुश्किल काम है ना। नंबर एक था कि उत्तराखंड के हित के लिए सशक्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हो। नंबर दो था लव जिहाद एंड लैंड जिहाद को रोकने हेतु कठोर कानून का प्रावधान। नंबर तीन, सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समुदाय विशेष के लोगों को चार धाम यात्रा से पूर्ण तरह प्रतिबंधित किया जाए। नंबर चार, उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और पहचान छुपाकर कारोबार न करे। नंबर पाँच, वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त किया जाए या फिर इस बोर्ड की तरह तर्ज पर सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। नंबर छः, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में किराए पर रहने वाले बाहरी व विशेष समुदाय के लोगों को रखने वाले भवन स्वामी या दुकान स्वामी अपने किराएदार का शपथ पत्र देकर संपूर्ण जिम्मेदारी लेकर पुलिस सत्यापन कराएं। एक बात और बता देता हूँ, ये जो मोदी हैं, जो मैं बताता रहा हूँ कि मतलब आज से जब वो मोदी जी आए सत्ता में तो हिंदुओं के वोट से ही आए, हमारे जैसे लोगों ने ही पूरा इनकलाब जिंदाबाद करके नारे लगाए थे। तो ये मोदी जी समय चक्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते एक बहुत खूबसूरत चीज डेवलप कर ली है। महाराष्ट्र का उदाहरण दूं, वो शिंदे मुख्यमंत्री है ना महाराष्ट्र का, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती शिवसेना के साथ तो उद्धव ने मिली, या कांग्रेस और एनसीपी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को साइड कर दिया और वो सत्ता में आ गई, तो फिर उद्धव सरकार को गिराने के लिए मोदी जी ने शिंदे को पैदा किया और उसकी सरकार गिरी। अब ऐसा माना जाता था कि जो जितने MLAs हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा है, तो मुख्यमंत्री बनेगा कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी, फडणवीस, लेकिन उन्होंने बना दिया शिंदे को मुख्यमंत्री, क्योंकि उसने ताकत दिखाई थी, उसने पार्टी तोड़ा था, उसने सत्ता बनाई थी, और इसके पीछे गुलामी लिखवा ली। अब वो शिंदे जो कट्टर हिंदू था मजारों में जा रहा है भैया, दरगाहों में जा रहा है, अब कवाली गा रहा है, अब चादर चढ़ा रहा है, ठीक उत्तराखंड आ जाओ। ये धामी तो खुद हार गए थे ना, अपने सीट ही हार लिया था, लेकिन भैया मोदी ने चुनाव लड़ा था उनके चेहरे पे, तो उसी को मुख्यमंत्री बनाया। अब कहा चलो भैया मुख्यमंत्री बना दिया और क्या चाहिए, जो कहता हूँ गुलामी करो, ज़्यादा बकवास मत करो, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। ये ठीक है कि 300 अनैतिक गैर कानून तुमने मजार तोड़ दिए तो मैं चुप रहा, तो क्या ये महापंचायत होगा उसे भी होने दोगे? यार हमारी इज्जत का बट्टा लग जाएगा, हमारी इमेज का क्या होगा पूरी दुनिया में? धामी क्या करता, खून जो रिस रहा है हिंदू सनातनियों का उसे दिखा भी नहीं सकते। उत्तराखंड ऐसा हो गया है। प्रशासन की जो दमनकारी नीति है उसके विरोध में, और जो धारा 144 यहाँ पे लगी है, व्यापार मंडल उसका पूर्णतः विरोध करता है, और हो सकता है कि आगे भी जहाँ तक ये 144 धारा लगी है, हो सकता है व्यापार मंडल ये निर्णय ले कि तब तक भी बाजार बंद हो सकता है। लव जिहाद के खिलाफ बोल नहीं सकते, महापंचायत का हिस्सा नहीं बन सकते, लैंड जिहाद के खिलाफ बोल नहीं सकते, व्यापार जिहाद के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी बुरा मान जाएंगे, उसके जो गुलाम है धामी जी वो बुरा मान जाएंगे। हमारी इस वीडियो में जो कुछ कमेंट्स आते हैं उसमें लोग कहते हैं अबे क्या बकवास कर रहा है, विकल्प कौन सा है, विकल्प ढूंढ रहे हो आप लोग? मोदी जी को भी विकल्प के रूप में लाए थे ना, हिंदुओं के वोट से ही बने थे ना, फिर विकल्प ढूंढ लेना, धोखा झेलोगे, अपराध झेलोगे, स्वाभिमान को गिरवी रखोगे, अपनी बेटी की कीमत पे, विकल्प के नाम पे। महापंचायत रोक दी गई, और फिर 18 जून को मुस्लिमों की महापंचायत है कि उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ अपराध हो रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है, पलायन हो रहा है, अगर ये चलता रहा तो देहरादून में हो रहा है। ये धामी सरकार क्या उसे भी रोकेगी? देख लेना, 18 तारीख बहुत दूर नहीं है। इससे जो तृप्तिकरण का जो चेहरा है वो मजबूत होगा, क्यों आगे यहाँ के मुसलमान इतने मजबूत हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। भाई कल को जो हो, आज जो कुछ स्टैंड लिया है उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराकाशी वालों ने, अगर इस पे कमज़ोर हुए
इस पे टिके नहीं रहे, इसको और मजबूत नहीं किया, इस छोटे से अभियान को, महापंचायत को आंदोलन की शक्ल न दी, उत्तराखंड को देवभूमि बनाने के लिए जो भी करना पड़े नहीं किया, तो ये देवभूमि उत्तराखंड असुर भूमि होने वाली है, ये मैं कहने के लिए आया हूं। और 18 तारीख को फिर मुस्लिमों की महापंचायत होनी है, फिर देख लेंगे मीडिया में क्या क्या खबरें आती हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हिंदू सनातनियों का जो स्वभाव है और जो संस्कार है और जो स्वाभिमान है उसको बचाए रखेंगे, उसके साथ जिएंगे, तभी हिंदू सनातनी रह पाएंगे। जय सियाराम, हरिओम।